ये बताइए, टैली प्राइम में अगर आपको एमआरपी सेट करना हो तो सेट कर सकते हैं? कैसे सेट होगा बताइएगा। पर हमने कंपनी बना लिया, अब आएंगे क्रिएट पे और हम लोग एक स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो एक स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए साल्ट। ये हम लोग पहले से ही बना चुके हैं, तो इसको हम लोग टाटा साल्ट कर लेते हैं। इसको इंटर करेंगे और यहाँ पे यूनिट हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, हम लोग पहले से एक यूनिट बना चुके हैं केजी का, और यहाँ पर हम लोग का एमआरपी शो नहीं कर रहा है। इसके लिए हम लोग F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ आप लोग देखिए, यहाँ प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट दिया है, इसके जस्ट नीचे एमआरपी डिटेल दिया है। तो इसको एस कर लेंगे और इंटर कर लेंगे और CTRL ए क्लिक करके एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए नीचे आ गया होगा हम लोग का एमआरपी डिटेल। यहाँ इसको भी यस कर लेंगे और इसको भी यस कर लेंगे, इसको भी यस कर लेंगे। और यहाँ पर हम लोग कोई जो हम लोग का एमआरपी डिटेल होगा, एमआरपी रेट होगा, वो यहाँ पर यहाँ फिल कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारा 49 है, तो 49 मैंने वो फिल किया और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया।